पोटेंशियल एनर्जी में दो पॉइंट चार्जेस हैं, 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 एंड माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 सेपरेटेड, ये लो ये मीटर है, क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी, बोलो क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.02 जूल। आंसर नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही निकलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं लेना, नेगेटिव है नेगेटिव में निकलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, सेकंड करना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन किसका है? ड्रॉ इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल किया नहीं, लाइट आ गई, लाइट आ गई, ऑन कर लो। ठीक है, इक्विपोटेंशियल किया नहीं, नेक्स्ट टाइम करना है। और इसके अंदर ये लिखा होता है एज्यूमिंग जीरो ऑफ पोटेंशियल टू बी इन्फिनिटी, ये क्या होता है? इसका मतलब क्या है? छोड़ दिया, काम बन गया तो छोड़ दिया है लाइन। ये हर बार ना लिखी होती है, स्टैंडर्ड लाइन है। मतलब एज्यूम कर लो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वो तो पता ही है, तो फिर मुझे नहीं पता क्यों देता है वो। तो एज्यूमिंग कि बहुत दूर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो मतलब कि जो आप फॉर्मूलाज बना के लाए हैं उसमें यही तो अजम्पशन है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में चलते हैं। ठीक है, मतलब लिख देता है पर आपको जरूरत नहीं, आपको मालूम है इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है और एक 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, 18 सेंटीमीटर अपार्ट है, ये लो 18 मीटर अपार्ट है। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन चार्ज बी इज मूव 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए, 18 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर पास आ गए, तो नया डिस्टेंस बोलो क्या हो गया इसमें, कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर पहले इनिशियल था, 3 सेंटीमीटर पास आ गए, तो नया कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर, नया 15 मीटर हो गया ना, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, 3 पास आ गए तो बचा कितना? 15। कितना वर्क डन करना पड़ा? तो निकालने इनिशियल एनर्जी, निकालने फाइनल एनर्जी, फिर वर्क डन निकालने के लिए फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? माइनस। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। टू पॉइंट चार्जेस 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम एंड माइनस 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम आर सेपरेटेड बाय 50 मीटर। फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस जहां पोटेंशियल जीरो है, किया था आज हमने। अगर ये x है 0.50 माइनस x है ऐसे, तो आपको नेट पोटेंशियल यहां पर क्या करना है? जीरो। तो ये चार्ज कितना पोटेंशियल लगाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाय एक्स, और ये चार्ज कितना लगाएगा? माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.50 माइनस इक्वल टू क्या कर लें? जीरो। एक्स निकाल लेना आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो पोटेंशियल जहां पर नेट जीरो करना है एक्स डिस्टेंस पे, तो दोनों चार्जेस का पोटेंशियल लगा के उनका सम इक्वल टू जीरो कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। दो चार्जेस हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक चार्ज है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम, पढ़ लिया करो नैनो या माइक्रो, नैनो, जो कितनी दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर पे है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 2.0.0 है। एक और चार्ज है माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम है, जो कि x सेंटीमीटर पे है ऐसे। आपको क्या निकालना है? इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन, x की वैल्यू बोलो, पहले ये बताओ इनमें दूरी कितनी है? x माइनस 2, इनमें डिस्टेंस x माइनस 2 हो गया, तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय, डिस्टेंस कितना है x माइनस 2 मीटर में 10 की पावर माइनस 2। लेकिन ये जो एनर्जी है वो ऑलरेडी गिवन है माइनस 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। सॉल्व कर लें, x की वैल्यू निकाल लें, शायद डाउट है कुछ कह रहे थे,
एक्स इज इक्वल टू 4 आ रहा है, कोई कह रहा है एक्स इक्वल टू 20 आ रहा है, चेक कर लें प्लीज, इसे सॉल्व करें, सॉल्व करके चेक करना एक्स आ रहा है कितना आ रहा है एक्स। दूसरे बैच के एक दो स्टूडेंट्स ने बोला कि 20 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं, आप चेक कर लें प्लीज, मैंने चेक नहीं किया। पेन लगा के आएगा, आ रहा है 4 आ रहा है, 4 आ रहा है क्या, 4 आ रहा है, ठीक है फिर आंसर ठीक कह रहे हैं वो 20 होगा, तो आंसर चेक कर रहे हैं, जो आंसर आया आंसर है, वैसे 20 बोला है मेरे को, 20 होगा, मैंने उस बैच में भी सॉल्व करवाया था, काफ़ी उन्हें 20 आंसर बोला, ठीक है फिर मैंने मान लिया 20 होगा, वैसे इसका आंसर 4 आ रहा है, पता नहीं कैसे किया तो हमने भी यही है, ठीक है चलो यानी कि कोई बात नहीं। कह रहे 3 पॉइंट चार्जेस आर अरेंज्ड एज शोन, ये रहा एनर्जी निकालो म्यूचुअल, ये तो किया हुआ है हमने, 1, 2 और 3 एनर्जी को ऐड कर देंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एनर्जी ऐड कर देंगे आंसर, हमने किया था सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल, क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये आंसर ना पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में नहीं आ रहा वैसे, तो 2.37 फिगर में कह रहे एनर्जी निकालो, अगर सारे चार्ज पॉजिटिव हैं तो यार बताओ यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव कैसे आएगी, तो सारे चार्ज की एनर्जी पॉजिटिव ही आएगी, इसको पॉजिटिव ही करना पड़ेगा, आंसर में कोई दिक्कत है इसमें भी। इसके अंदर अमाउंट ऑफ वर्क डन, और एक और चीज़ जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैसे ये क्वेश्चन ऐसा है नहीं, मुझे याद आया अभी ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अरेंजिंग द 3 चार्जेस, 10 सेंटीमीटर साइड है, जैसे इसकी साइड 10 सेंटीमीटर 10 और 10 है ऐसे, ठीक है तो क्वेश्चन है इसकी एनर्जी निकाल लो, तो एनर्जी तो निकाल ही लोगे आप, कैसे, सम ऑफ दिस दिस एंड दिस एनर्जी कर लोगे मीटर में कन्वर्ट करके, एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की, 3 पेयर ऑफ एनर्जी आएगी। क्वेश्चन ये आएगा कि मान लो इनके बीच में डिस्टेंस 10 10 10 था, आपने क्या किया, आप इनको क्लोज ले आए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 5 और 5 सेंटीमीटर पे क्लोज ले आए, तो 10 10 10 से 5 5 5 पे ले आए, अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलो कितना करना पड़ेगा, क्या करेंगे, जब ये इनिशियली 10 पे थे तो इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, जब ये 5 5 5 पे आएंगे तो फाइनल एनर्जी निकालेंगे, फिर टोटल वर्क डन के लिए फाइनल एनर्जी को इनिशियल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है तो आंसर आएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ये सेम क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम है, इसके अंदर ये भी सेम है, कुछ नहीं करना, वो ऊपर के चार्जेस फिगर वही रेफर करे जा रहा है, सेम है। इसके अंदर देख लेते हैं,
तीन पॉइंट चार्जेस गिवन आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये q है, ये 2q है और ये कैपिटल q है. फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज q सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो. तो देखो ना ये a ले लो, तो एक काम करो एनर्जी इसकी इसकी और इसकी ऐड कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा जो निकालना है. पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो तीनों की एनर्जीज ऐड कर देनी है और इक्वल टू जीरो कर देना है, बिकॉज वो खुद कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है, जीरो है. तो अपने आप चार्ज की रेशियो आ जाएगी. कर लोगे सवाल यहाँ तक? नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ई है, एट कॉर्नर ऑफ क्यूब पे पड़े हुए हैं. मान लो ये क्यूब है येलो, तो ये सेंटर है. इलेक्ट्रॉन यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे पड़ा हुआ है. एक चार्ज है सेंटर पे अल्फा, 2e चार्ज पड़ा हुआ है. सिस्टम की एनर्जी निकालनी है. कैसे होगी आप बताओ कैसे होगी? दो दो करके पैर लेंगे बैठ के. अब घर आराम से बैठें और पहले रेस्ट लें, फिर ये क्वेश्चन करें, जिसमें एक एक करके शुरू करें. एक एनर्जी, दो एनर्जी, तीन एनर्जी, चार एनर्जी, पांच एनर्जी, छह एनर्जी, सात एनर्जी, आठ एनर्जी, नौ एनर्जी, दस एनर्जी. फिर इसकी 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 ये करते जाओ. फिर अभी रुका नहीं है, फिर ये भी पड़ा बीच में, फिर इन क्यूब के डायगनल्स की भी, फिर अल्फा के साथ भी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, हर के साथ इलेक्ट्रॉन की. हाँ हाँ, तो करना तो पड़ेगा ही. तो आपको हर पेयर की लेनी पड़ेगी. इमेजिन कर लें इन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, इस कमरे के कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है और जो कैमरा है यहाँ पर 2e चार्ज है. अब और बेटर दिखेगा. तो पहले उन इलेक्ट्रॉन्स की, फिर इन इलेक्ट्रॉन्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी इसकी, फिर ऐसे इस दीवार की, फिर छत की, फिर फ्लोर की, फिर डायगनल्स की, फिर इसके साथ शुरू हो जाओ. तो 12 चार्ज हैं, तो यहाँ से 12 12 एनर्जी इसकी निकलेंगी अल्फा पार्टिकल के साथ. तो जब आप, नहीं शॉर्टकट कोई नहीं है. तो ये देखो 12 तो इलेक्ट्रॉन की निकलेगी. एक दो काउंट कर लो ना, एक दो तीन चार पाँच, तो ये 12 तो इलेक्ट्रॉन्स की निकलेगी, 12 डायगनल्स की निकलेगी, फिर किसके, स्क्वायर के डायगनल्स की, स्क्वायर के डायगनल्स की, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो 12 तो डायगनल्स है स्क्वायर के. फिर चार जो हैं वो बनेंगे इसके जो उस कॉर्नर के क्यूब के डायगनल्स. फिर बनेगा, फिर आएगा 8 वर्टेक्स के साथ अल्फा पार्टिकल भी आएगा. आराम से कर देना ऐड, आंसर आ जाएगा. आता देखा नहीं है इतना बड़ा, बट आपको तरीका बता रहा हूँ कि और कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है. आराम से सोच लेना घर पे जाके, ये पेयर ऑफ एनर्जीज बनेगी. तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? मतलब लॉजिक, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है. मेरे से भी अगर कोई पेयर रह गया तो मेरा भी गलत हो जाएगा. तो मैंने आपको बता दिया कि ये पेयर ऑफ एनर्जीज बनेंगी, इसको ऐड करके आंसर आएगा, और कोई शॉर्टकट नहीं मेरे पास. हाँ वैसे याद करना है, कर लो, 12 उसकी बनेंगी, 12 डायगनल बनेंगी, चार जो हैं वो स्क्वायर क्यूब की डायगनल बनेंगी, और बाकी हाफ डायगनल इसके साथ 8 बनेंगी, 8 चार्जेस हैं. हो गया शॉर्टकट, ठीक है, जो एक साल तक याद नहीं रहेगा. ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? याद होता मैं ना बोल देता इसमें, मैं याद ही नहीं है मेरे को. नेक्स्ट है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, टू इंटू 10^-4 कूलम, और मास की वैल्यू गिवन है 10 ग्राम. ये लो 10 ग्राम, ये रहा, ठीक है, आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, 2×10^-4 कूलम, 10 सेंटीमीटर ये लो, एंड रिलीज्ड. तो आपको ये बताने स्पीड ऑफ द पार्टिकल जब वो कहां पर है सेपरेशन उनके बीच में. लार्ज है, लार्ज क्या होता है, इनफाइनाइट. लार्ज मीन्स इनफाइनाइट, बहुत दूर, बहुत दूर में एनर्जी क्या हो जाती है, पोटेंशियल जीरो, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, 1/4πε0Q1Q2 जीरो. जब ये यहाँ पे हैं तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और जब ये लार्ज डिस्टेंस पे हो जाएंगे सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम. तो जब ये ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू है 1/4πε0 2×10^-4 2×10^-4 10×10^-2 ये एनर्जी है. काइनेटिक यहाँ पर क्या पकड़ के रखा हुआ है, जीरो.
पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, जीरो, और कानेटिक क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर को टू से मल्टीप्लाई करके मास आपको पता है वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। हमें लास्ट टाइम मिलता जुलता क्वेश्चन किया था हैंड रिटन शीट में, तो समझ में आ रहा है कैसे सोचना है, कोई डाउट इसमें? तो एनर्जी कंजर्वेशन क्लियर है, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल। लो, इलेक्ट्रिक डायपोल आ गया, सेकेंड चैप्टर फिर से स्टार्ट हो गया। आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाना है, और कैसे घुमाना है, फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजिशन, फ्रॉम द पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मेरी हैंड एंड शीट का क्वेश्चन है, जब मैंने मार्क करवाया था कि सीबीएसई वाले हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं ये, तो वही फॉर्मूला लगेगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, पिछले चैप्टर का क्वेश्चन डाल दिया इसने बीच में, तो इस चैप्टर का नहीं है एनर्जी का। तो पोटेंशियल जो डायपोल है उसको रोटेट करने की एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, स्टेबल में जीरो, अनस्टेबल में 180 बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन सेम है, इलेक्ट्रिक डायपोल है फिर से, मैग्नीट्यूड क्यू पता है, 2a पता है, मैक्सिमम टॉर्क निकाल लो, और सेम क्वेश्चन है, इसको टर्न करना है 180 डिग्री से जीरो पे, वही सेम टॉर्क इज पी साइन 90, मैक्सिमम टॉर्क है, और वर्क डन रोटेट करने का सेम फॉर्मूला। तो ये डायपोल का क्वेश्चन बीच में डाला हुआ है, जो लास्ट लेक्चर का काम था।